नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई न्यूज इंडिया में। चुनावी समय में नेताओं का एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में जाना एक आम बात है। इसी बीच कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने गुरुवार को कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस में शामिल होना एवं चुनाव लड़ना उनकी भूल थी और अब राजनीति में भाजपा ही उनका आखिरी पड़ाव है। भोजपुरी फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार ने यहां तक कहा कि एनटी रमा राव और विनोद खन्ना की तरह वह भी अपनी एक संजीदा नेता की पहचान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने मेरे ऊपर हाथ रखा क्योंकि उन्होंने मेरी गंभीरता को देखा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैं चुनाव हारा तो कांग्रेस आला कमान से कोई फोन नहीं आया, उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ था। बता दें कि 2014 में रवि किशन जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे लेकिन उन्हें सिर्फ 43,000 वोट मिले थे। इस बार रवि किशन का सीधा मुकाबला गठबंधन से सपा प्रत्याशी राम भुआल निषाद से है। गोरखपुर के जातीय गणित को यदि देखा जाए तो यहां 19.5 लाख वोटरों में से 3.5 लाख वोटर निषाद समुदाय के हैं। इस संसदीय क्षेत्र में निषाद जाति के सबसे अधिक मतदाता हैं। बात की जाए अगर यादव और दलित वोटरों की तो दोनों की ही संख्या 2-2 लाख है, वहीं ब्राह्मण वोटर करीब 1.5 लाख हैं। बता दें कि यदि चुनाव में निषाद, यादव, मुसलमान और दलित एकजुट हो जाते हैं तो चुनाव परिणाम चौंका भी सकते हैं। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हैं न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।